उसको भोजन दे दीजिए, रोग है औषधि की व्यवस्था करा दीजिए, पर उसको रसोई में ले जाना ठीक नहीं है। हम देखते हैं ना, जैसे ऐसे लिया, चूम रहे हो, चाट रहे हो, गले लगा रहे हो, सब में भगवान है, हम इसमें संशय नहीं करते। राधे राधे प्रिय दर्शकों। प्रिय दर्शकों, आज हम पुनः पूज्य महाराज श्री की एक नई वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें पूज्य महाराज श्री कुत्ते पालने वालों को कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं। पूज्य महाराज श्री की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जैसे हमने कुत्ता पाला, हम बहुत प्यार कर रहे हैं उसे, दुलार करना चाहिए, हम मना नहीं करते। सब जीव भगवान के अंश हैं, सब का अधिकार सृष्टि में जीने का है, और सबको प्यार दुलार मिलना चाहिए, चाहे सुअर हो, कुत्ता हो, गधा, पर उसकी स्थिति के अनुसार उसको भोजन दे दीजिए, रोग है औषधि की व्यवस्था करा दीजिए, पर उसको रसोई में ले जाना ठीक नहीं है। हम देखते हैं ना, जैसे ऐसे लिया, चूम रहे हो, चाट रहे हो, गले लगा रहे हो, सब में भगवान है, हम इसमें संशय नहीं करते, पर भगवान ने व्यवस्था की है, शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलना पड़ेगा। गाय की सेवा करते हैं, गाय को स्पर्श करते हैं, गाय जहां लघु शंका कर देती है वो तीर्थ के समान पवित्र स्थान हो जाता है। जो गाय में तत्व है वही कुत्ते में है, भगवान भी कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चौपाके च पंडिता सम दर्शिना। कुत्ते में और गाय में बराबर दृष्टि जो रखता है वही ज्ञानी है। क्या रखने की बात कही? दृष्टि। लेकिन कुत्ते के मूत्र को आज तक कोई आचमन करते मिला हो तो बताना, और गाय के मूत्र को बड़े बड़े परमहंस पीते हैं, पंचगव्य के रूप में, औषधि के रूप में, वो परम पवित्र है। गाय का गोबर लीप दिया जाए तो लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। जहां कहीं कोई परम पवित्र आयोजन भागवती होते हैं गौ के गोबर से, और गाय के गोबर में गणेश जी की भी पूजा कराई जाती है विराजमान कर। हमारी दृष्टि सब में भगवत भाव की हो, इसमें कोई विरोध नहीं, पर आप जैसे कुत्ते का पालन पोषण कर रहे, एकदम छूट है, घर में कहीं भी डोल रहा है, उसका स्वभाव है सूंघना, चाटना, क्योंकि वो पशु रूप में है, और उसको ये ज्ञान नहीं कि पवित्र स्थान है कि अपवित्र, कहीं भी लघु शंका कर दे, अपवित्र हो गया स्थान, आपकी आसक्ति बन गई, आपको पता नहीं चल रहा कि आप अपने को अगले जन्म में कुत्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लिखा है इसी की व्याख्या में लिखा हुआ है। अंतकालीन के चिंतन की वृत्ति वही आती है जो तुम पूर्व में चिंतन करते रहे हो, जिससे ज्यादा आसक्ति कर ली। जैसे मृग से कर ली तो मृग में जाना पड़ा ना, तो क्या ये भगवत भजन नहीं करे क्या? अरे गंडकी नदी के किनारे रोज त्रिकाल स्नान करते थे, भगवान की भक्ति में विघ्न न पड़े, इसलिए पति पुत्र परिवार सब जितने नाते हैं सबको ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया था, पर लाग कर बैठे मृग से, और वही दुलार, वही कांधे पे बैठा के घूम रहे, भूल गए कि हम कहां फंस गए, मरते समय वही चिंता मृग बन। भगवान आशा यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवर। अच्छा भोजन दे दो, अच्छी व्यवस्था कर दो जीव की, जो जहां जैसे सब भगवत आसक्ति नहीं, शास्त्र प्रमाण के अनुसार उससे व्यवहार करो। अनाशक्त होकर गृहस्थी में या विरक्ति में कहीं भी हो, भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करोगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये थी पूज्य महाराज श्री की एक सुंदर सी वीडियो। प्रिय दर्शकों, ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।